अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबाना'स किचन। आज हम बना रहे हैं शेज़वान चटनी, जो चाइनीज़ फूड में यूज़ होती है, और ये बहुत आसानी से घर में जो मौजूद सामान है उसी से आराम से बन जाती है और जल्दी भी बन जाती है। तो इसके लिए हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्ची, 12 से 15 लिए हैं। आप इसकी जगह सादी लाल मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बीज आपको निकालना पड़ेंगे, नहीं तो वो बहुत तेज़ हो जाएंगी। अब इसमें हमने गरम पानी ऐड कर दिया है और इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब आधे घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, दरदरा पीसना है, क्योंकि हमें चटनी बनाना है। चटनी के लिए थोड़ा मोटा रखना ही अच्छा रहता है। बस इसी तरह का हमें चाहिए पेस्ट, ये देखिए। अब एक पैन लेंगे हम, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसके लिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि हमें स्टोर करना है फ्रिज में। अब इसमें 4 टेबलस्पून गार्लिक चॉप्ड किए हुए ऐड कर देंगे और फ्लेम को हाई रखना है, बिल्कुल लो नहीं करना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून चॉप जिंजर ऐड कर देंगे। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट तक हल्का सौते करना है। और ये हमने लिए है धनिया पत्ती की जो डंडी होती है ऊपर की, वो, क्योंकि उसका हमें फ्लेवर चाहिए, धनिया पत्ती नहीं चाहिए, इसका फ्लेवर इसमें अच्छा आता है। अब इसे भी मिक्स कर लें। अब इसमें हम जो मिर्ची का पेस्ट हमने बनाया है उसे ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई ही रखना है, बिल्कुल लो नहीं करना है, क्योंकि चाइनीज़ फूड हमेशा हाई फ्लेम पर ही पकता है और उसका ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मिर्ची का कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से इसकी खुशबू आने लगे। बस इसी तरह से हमें पकाना है इसे। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सिरका विनेगर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और इसे भी अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब जो पॉट में हमने हम मिर्ची ग्राइंड किया था उसी में थोड़ा पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा पानी ऊपर से हमें ऐड करना है और इसे हाई फ्लेम पे रख के एक जोश ले लेंगे हिलाते हुए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे हाई फ्लेम पर ही रखना है। इसके बाद हम एक बाउल में 4 टेबलस्पून पानी लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। और फ्लेम को हाई ही रखना है, लो नहीं रखना है। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल एकदम रेडी हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह की चाहिए हमें। अब हम इसमें शक्कर या नमक जो भी है हमें थोड़ा कम या ज़्यादा लगता है तो इसमें ऐड कर देंगे, इसे थोड़ा टेस्ट कर लेंगे हम।
हमने इसमें विनेगर 1 टेबल स्पून और शक्कर ऐड किया है 1 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हमारी शेज़वान चटनी बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे चाइनीज़ फूड के साथ यूज़ कर सकते हैं और 1 मंथ तक आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। और रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।